नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार सुबह बालासेत ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि कल प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। शनिवार रात एक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया है। आज दूसरे ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को निकाल लिया गया है। अब काम तेजी से चल रहा है। कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिल गई है। इतना भयानक हादसा कैसे हुआ, इस बात का पता चल गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं, वो ओएचई का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में डीके शिवकुमार ने पहली बार खुलकर अपने दिल का दर्द बयां किया है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन क्या किया जाए, एक फैसला हुआ और मुझे वह मानना पड़ा। ऐसा पहली बार है जब डीके शिवकुमार ने नई सरकार बनने के बाद खुद के मुख्यमंत्री न बनने पर खुलकर बात की है और दर्द भी बयां किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर समझौता किया है। डीके शिवकुमार ने कहा कि आप लोगों ने मुझे बड़े पैमाने पर वोट दिया, आप चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक फैसला लिया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे कुछ सलाह दी, मुझे उनकी बातों के आगे झुकना पड़ा। अब मुझे सब्र रखना होगा और इंतजार करना होगा। डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर यह बात कही। इस दौरान वो भावुक भी नजर आए, लेकिन हाईकमान के फैसले को मानने की बात का कयासों को ठंडा भी कर दिया। वहीं आगरा में खनन माफियों के हौसले बुलंद है। खैरागढ़ की ऊंटागन नदी में लगातार खनन माफिया धड़ल्ले से खनन का अवैध व्यापार कर रहे हैं। आरोप है कि इन खनन माफियों पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा। साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं खनन माफियों ने ट्रैक्टर से कुचलकर अब तक 2 लोगों की जान ले ली है। सवाल यह है कि आखिर कब तक इन खनन माफियों पर प्रशासन मेहरबान रहेगा। खनन माफियों ने नदी को खोदकर 50-50 फीट के गहरे जानलेवा गड्ढे बना दिए हैं। ऊंटागन नदी से रोजाना लाखों रुपए का अवैध मिट्टी खनन का व्यापार होता रहा है। हुआ क्या था, हम आए थे, घाट पे गए थे, हम हमारी बस्ती में मिट्टी उसकी थी, हम गए थे उनसे, मैं की थोड़ा लिफ्ट दे दो मुझे, रात में जमने की पूजा करने आऊंगा मैंने की। उन्होंने ठीक है, कौन पूजा कर ली, हम ना लेंगे। मैंने कभी मना कर दी, भाई दो पानी का जवाब बहुत बुरा चल रहा है, मैं तो बिना रहे हो, मुझे मेरा नहीं है कुछ भी। उन्होंने बोला पवन चल ठीक है, मेरे संग में दोस्त था विशाल, उन्होंने मना बहुत मना करी, पवन जी ना रहे हैं नान दे तू, मैं खड़ा गाड़ी रखती वहाँ पे ना रहे नान दे विशाल, देख दिखता रही हूँ जब उनके संग कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं सहारनपुर में नगर निगम द्वारा साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से विश्व साइकिल दिवस पर एक साइकिल रैली निकाल कर लोगों को साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। अपर नगरायुक्त राजेश यादव, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट बाबूराम सैनी और साइकिल मोटिवेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह आदि भी इसमें मौजूद रहे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की बात की। दरअसल मेयर के पति अशोक शर्मा पर अक्सर नगर निगम के कामों के हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहा है,
देवपुरा स्थित टाउन हॉल में चल रही बोर्ड बैठक के दौरान अशोक शर्मा सफाई व्यवस्था के लिए जारी किए गए टेंडरों का विरोध कर रहे थे। इस पर भाजपा पार्षद भड़क गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्षदों के हंगामे के चलते मौके पर पुलिस बल तैनात रही। बताओ, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये आदमी बाहर बैठा है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है, है? एक महिला को दबाना चाहते हैं, महिला कभी दबने वालों में नहीं है, कोई भी हो महिला, पर मैं अपने बजे से मैं कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं और इनको वो गलत लग रहा है। वो नालों की सफाई के टेंडर उनकी पत्नी ने और नगर निगम ने किए हैं। मेयर पति यहाँ पे आके अपने कपड़े उतार के बैठ गए और उनके नालों की सफाई का विरोध करने पे उतारू हो गए। शर्मा जी 4 साल पहले नालों में उतरते थे, बीच में पिछले साल जब इलेक्शन थे तो वो लड्डू बांट रहे थे और दूध पिला रहे थे कि परिवर्तन 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 होने जा रहा है। अब वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया, अब ये फिर कूड़े के ऊपर आके बैठ गए, शहर की सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठ गए। मुझे अशोक शर्मा जी का विरोध ये समझ नहीं आता कि अपनी पत्नी का विरोध कर रहे हैं, मेयर का विरोध कर रहे हैं, और मेयर का विरोध कर रहे हैं तो मेयर उनकी पत्नी। वहीं वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश में जाम ने विकराल रूप ले लिया। हाईवे पर कोयल घाटी से लेकर तपोवन तक वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दी। रेंग रेंग कर चलते हुए वाहनों की वजह से पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निर्धारित रूट प्लान पर ई रिक्शा के नहीं चलने से जाम की समस्या और ज्यादा विकराल होते हुए दिखाई दी। आंतरिक मार्गों पर भी ई रिक्शा और टेम्पू दौड़ते हुए नजर आए, जिससे गलियों में भी जाम लगता रहा। ऋषिकेश कोतवाली के सामने भी जाम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। भरी गर्मी में जाम लगने से वाहन चालकों और यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। मरीजों को ले जा रहे एम्बुलेंस भी जाम का शिकार हुई। हालांकि चौक चौराहे पर ट्रैफिक चलाने के लिए तैनात होमगार्ड कड़ी मशक्कत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों क्षमता से ज्यादा वाहनों की संख्या होने से जाम की समस्या से निजात नहीं मिला। कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिंदू पंचायत धर्मशाला झंडा चौक में एकत्रित हुए, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और महापौर हेमलता नेगी के नेतृत्व में एक विशाल रैली मेन मार्केट से होते हुए जोरदार नारेबाजी के साथ तहसील परिसर पहुंची, जहां पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने उड़ीसा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। उन्होंने कोटद्वार के प्रमुख मुद्दे उठाए और शीघ्र से शीघ्र इन मुद्दों को हल करने की सरकार से मांग की। भविष्य में और भी बड़े जन आंदोलन के लिए सरकार को साथ में चेतावनी भी दी। उत्तराखंड की बहुत बड़ी उपेक्षा हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो रही हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो रही हो। आज हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा भी की, प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन मुख्य रूप से आज हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है और अपनी पीड़ा यानी उत्तराखंड के लोगों की पीड़ा को उनसे साझा करने का प्रयास किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार नितिन गडकरी जी को नजीबाद कोटद्वार मोटर मार्ग के बारे में कहा, जो 24 किलोमीटर का है। वहीं गैरसन में खंसर घाटी के लोग गांव ने देवपाली में शनिवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 133 समस्याएं दर्ज की, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर निस्तारण किया। विभागीय स्टॉलों के माध्यम से शिविर में तमाम प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजना की जानकारी भी दी गई। विभागीय स्टॉलों पर 495 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। दूरस्थ क्षेत्र में नैल देवपुरी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करने पर क्षेत्रवासियों ने प्रशंसा व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। साथ ही जो माननीय ब्लॉक प्रमुख, माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी और जो सभी हमारे जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। आज मेरा भी इस क्षेत्र में पहली बार आगमन हुआ है
कई बार हम जब इलेक्शन के टाइम पर भी हम कार्रवाई कर रहे थे तो बताते थे कि माईथान क्षेत्र है और काफ़ी दूरस्थ और काफ़ी दूर है, और मुझे भी महसूस हुआ और हम देख रहे हैं कि जो 124। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की तकनीकी युग में कॉपीराइट, कंटेंट राइट, पेटेंट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए कोटा विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर अपर्णा शर्मा, कला संकाय की संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला राणा, NIT उत्तराखंड के प्रोफेसर मौजूद रहे। इस दौरान नए आविष्कारों, पहाड़ों के उद्यमी द्वारा शुरू किए गए उद्योग का ट्रेडमार्क करवाने समेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। इनकम आल्सो, ये बच्चों को इस तरीके की जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पर यह प्लान किया। दूर दराज के इलाकों से आके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको इस तरीके की अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, तो ये उनके घर तक और उनके समाज तक जब ये चीजें जाती हैं तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली हम यूकॉस्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हमारा सेंटर है। सोचती हूँ कि आज के संदर्भों में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे यहाँ के क्रिएटिव राइटर्स हैं, हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं, वो बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना पर्सनल भी ऐसे काम करते हैं जो जिनका पेटेंट उनको मिलना चाहिए। वही मथुरा के राया थाना क्षेत्र में सरेरा 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मंचलों ने स्कूल से अपने घर लौट रही एक बीच रास्ते में छात्रा को रोक दिया। दबंग मंचला लड़की का हाथ पकड़कर होटल में खाना खिलाने के लिए होटल चलने का दबाव बनाने लगा। छात्रा मंचले के चुंगल से निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मंचला बार बार छात्रा का रास्ता रोक रहा था। छात्रा के साथ हुई घटना की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं आगरा में ताजमहल पर नियमों के टूटने का सिलसिला जारी है, जहां कर्मचारी दिव्यांगों की व्हीलचेयर तक रोक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद खुलेआम पर्यटक प्रचार करते हैं। ताजमहल में महिला ने प्रोडक्ट का प्रचार किया, अपने ब्रांड को रखकर फोटो और वीडियो बनाए। प्रोडक्ट का प्रचार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ताजमहल की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। जालौन में NH-27 पर डीजल टैंकर और पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही आपको बता दें कि टक्कर होने के बाद डीजल टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे टैंकर में मौजूद डीजल हाईवे पर फैल गया। हादसे के बाद झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 का है। वहीं लखनऊ के चारबाग GRP पुलिस ने ट्रेनों में मोबाइल की चोरी और लूट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लूट के 62 मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त लखनऊ से मोबाइल चोरी कर पश्चिम बंगाल, झारखंड में सस्ते दाम पर इसे बेचते थे। चारबाग पुलिस द्वारा जो है दो शाती चोर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के नाम है राजू लोनिया और बंटी पंडित उर्फ झारखंडी। ये दोनों शाती चोर हैं और ये इसमें से राजू लोनिया वर्धमान जिले पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और बंटी पंडित जो है राजमहल थाना झारखंड साहिबगंज जनपद का रहने वाला है। वहीं बस्ती जिले के हरैया थाना के सांसीपुर NH-28 पर भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मां बेटी की मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने XUV कार को कब्जे में लिया है। हादसे के समय कार काफी तेज गति से चल रही थी। कार ने संसारीपुर चौराहे पर स्कूटी सवार मां और बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई।
हमारी बहन थी गई थी महाराज ने सामान लेने गाड़ी का, उधर से एसयूवी है चरपहिया आ रही थी, ठोकर मार गई। दोनों लोग इस बार हो गए, दोनों लोग इस घटना चल रही, बड़ी वाली बेटी थी और ये बहन थी हमारी बड़ी। पुलिस कितने देर में पहुंची है? पुलिस पहुंची है करीबन 15 मिनट है। गाड़ी जो गाड़ी ठोकर मारी थी वो पकड़ी गई है? हाँ, गाड़ी थाने पे है वो। चालक भी है। क्या सारी आदि थी घर में? क्या हाँ, बगल में पटीदार में सारी। वहीं उन्नाव में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां मौजूद एसडीएम पुलिस पर नाराज होते दिखे। एसडीएम ने जनता की फरियाद सुनते समय पुलिस को फटकार लगा दी। दरअसल कई बार बुलाने पर भी पुलिस के ना आने पर एसडीएम का गुस्सा फूटा। फरियादी की शिकायत के हल के लिए कई बार दरोगा को बुलाया गया। मोबाइल में व्यस्त होने पर एसडीएम को दरोगा ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद कड़ी फटकार लगाते हुए एसडीएम ने रिपोर्ट भेजने की बात कही है। अब पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गोरखपुर में माफिया राकेश यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के टॉप 10 और यूपी के टॉप 61 पास बदमाशों में राकेश यादव शामिल है। राकेश यादव पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर समेत कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं। जमीन के गोरख धंधे से जुड़े राकेश यादव 90 के दशक में अपराध में कदम रखा था। साथ ही बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान के पिता मानीराम के तत्कालीन विधायक ओम प्रकाश पासवान की 25 मार्च 1986 को मल्हानपुर रोड पर चुनावी जनसभा में बम मारकर हत्या के मामले में राकेश यादव के मुख्य आरोपी बनाया गया था। जेल से छूटने के बाद वो लंबे समय से नेपाल में शरण ले रखा था। माफिया राकेश यादव पर दर्ज मुकदमे में 6 मामले में पुलिस कोर्ट में पैरवी करेगी। कुर्की, घर पर बुलडोजर चलाने के डर और पुलिस के लगातार दबिश की वजह से माफिया राकेश यादव ने सरेंडर किया है। सर, राकेश यादव ने सरेंडर किया, क्या कुछ हुआ? राकेश यादव वर्तमान में किसी भी मुकदमे में वांछित नहीं है, सारे मुकदमों में वो बेल आउट है। चूंकि प्रशासन का ये बहुत दबाव था कि आप अटर्नी हाउ जो है किसी भी कंडीशन में जेल चले जाइए, किसी भी मुकदमे में बेल वापस करवा के, तो प्रशासन के दबाव के नाते हम अपना जमानत एक मुकदमे में वापस करवा के और जेल गए। वही बाराबंकी जिले के विधानसभा जैतपुर के दशहरा बाग स्थित बालाजी मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। साथ ही प्रसाद वितरण के बाद पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय अवस्थी उपस्थित हुए। बैठक में प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यक्रम में कराए गए कार्यों को लेकर, आगामी होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं के अपने अपने दायित्व सौंपे गए। इसके साथ 6 जून को वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक बालाजी मंदिर में होगी, जिसमें सांसद उपेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इसके संबंध में मुख्य रूप से कार्य योजना बनाई गई। इस मौके पर राकेश रावत, डीएम वर्मा, रामविलास वर्मा, संदीप तिवारी, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी में खनन माफिया यहां के लोगों के लिए जीवनदायिनी कहे जाने वाली दसान नदी की कोख उजाड़ने में लगे हुए हैं। झांसी के देवरी बालू घाट पर नदी के 1 किलोमीटर तक प्रतिबंधित LNT जेसीबी चलाकर वैध खनन की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया बीच नदी में पानी की जलाधार रोककर यहां के जिला प्रशासन को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। देवरी बालू घाट पर बगैर MM11, बगैर कांटा, बगैर कैमरा के धरल्ले से NR गाड़ियां हमीरपुर जलौन की ओर निकाली जा रही हैं, जिससे राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है। NCT के नियमों को पैरों तले रौंदकर पट्टा धारक अपनी सीमा से अधिक का खनन कर रहे हैं, जिसके कारण आसपास के दर्जनों गांवों का जल स्रोत नीचे खिसकता जा रहा है। इसी अवैध खनन के चलते गांव के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। वित्त मंत्री की गाड़ी में लोगों को धक्का लगाना पड़ा। गाड़ी फंसने के बाद वित्त मंत्री गुस्से में दिखे।
आपको बता दें कि निगम की लापरवाही से गड्ढे में गाड़ी फंसी। शहर में लंबे लंबे से सिविल लाइन का काम चल रहा है, गांव से लेकर शहर तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। मंत्री की गाड़ी भी इसी चक्कर में फंस गई। नौबत ये रही कि मंत्री की गाड़ी राहगीरों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा। वहीं बदायूं जिलाधिकारी मनोज वर्मा और डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिलाध्यक्षता में तहसील विलसी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जल शक्तियों की निष्पक्ष जांच कराने के निस्तारण करने के आदेश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के साथ जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगातार संबंधित अधिकारियों को प्रेषित के लिए निर्देश दिए गए। वहीं औरैया में नदी घाट पर फूल विसर्जन के लिए गया युवक नदी के धार में बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिजलपुर और जालौन जिले के सीमा में बसे गांवों से गोताखोरों को बुलवाकर नदी में तलाश शुरू करवाई। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे नदी की तलहटी से कोच कर बाहर निकाला, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उसे CCH याना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मां मंजू देवी और बड़े भाई का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओम प्रकाश राजभर पहलवानों के समर्थन में उतर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो और उस व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए, कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण तो दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में गिरफ्तारी हो और अगर कोर्ट निर्दोष साबित करता है तो बात खत्म हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने लव जिहाद पर कहा कि लव जिहाद की बात करने वाले बड़े बड़े नेता मुसलमानों को दमाद बनाते हैं, तब लव जिहाद नहीं होता, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाया जा रहा है। सावित्री बाई फुल्ले का विद्यालय बनाने के लिए एक मुसलमान की बेटी ने अपनी जमीन दी थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ओम प्रकाश राजभर ने बैठक की। शहर के बीटी इलाके में ओम प्रकाश राजभर ने बैठक की। देखिए, अगर किसी गरीब कमजोर के खिलाफ अगर पैक्सों लग जाए और दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी न हो, तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण तो दिख ही रहा है। नहीं, अगर FIR हुआ है तो जो सबके साथ होता है, जो संविधान कहता है, उस संविधान के दायरे में आप गिरफ्तारी करो। वहीं आगरा में पूजा करने आए हाथीघाट नदी में 4 युवक डूब गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रिमर सहित गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से युवक को नदी में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चारों युवक आगरा के सदर बाजार के बताए जा रहे हैं। मामला बस्ती जिले के लालगंज थाना के महादेवा का है, जहां सोशल मीडिया पर 4 युवक शादी के दौरान फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जितेंद्र सिंह के लड़के विशाल सिंह की बारात गांव से लखनऊ जा रही थी। गांव के रीति रिवाज के अनुसार बारात जाने से पहले गांव में दूल्हे को घुमाया जा रहा था। इस दौरान 4 युवकों ने धड़ाधड़ कई राउंड फायरिंग की, जबकि फायरिंग वाली जगह पर काफी भीड़ थी। हर्ष फायरिंग पर रोक के बाद भी शादी से पहले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं साजापुर के STF लखनऊ और SOG टीम संयुक्त के प्रयास के चलते पुलिस ने 3 नेपाली अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2,50,00,000 की कीमत की अफीम बरामद की है। साथ ही नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस इस सफलता के बाद दावा कर रही है कि जल्द और बड़े खुलासे होंगे। STF उत्तर प्रदेश और SOG साजापुर के संयुक्त कार्रवाई में थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध मादक पदार्थों का तस्कर गिरफ्तार किया गया, उसके 2 साथियों सहित। ये जो गिरफ्तार तस्कर है, ये मूलतः नेपाल का रहने वाला है, जो रक्सौल बिहार में जिसका रहना है वर्तमान में, और इसके कब्जे से 2.5 किलो अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इसके परचेसर दोनों साथी, जब इनकी सूचना थी कि ये गिरफ्तार ये साथी लेने आ रहे हैं।
वहीं आगरा में इनर रिंग रोड पर लोडिंग टेम्पो में आग लग गई, जिससे टेम्पो में बैठी सवारी ने कूदकर जान बचाई। आग लगने से टेम्पो पूरी तरह से जल गई। मामला थाना बमरौली क्षेत्र का है। प्रयागराज जिले के राजापुर थाना कैंट क्षेत्र में शनिवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस शव के पिता के तहरी पर मामले की जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां 3 युवक गंगा नदी में डूब गए। युवक गंगा किनारे खेलने गए थे, इस दौरान गंगा में नहाने गए युवक डूब गए। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पत्थरघाट की है। बताया जा रहा है कि शहर के महादेव मोहल्ले के रहने वाले किशन अपने दोस्त मुकेश, सरफराज, रंजीत और भोला के साथ गंगा नदी के किनारे खेलने गया था। इस दौरान सभी युवक नदी के में नहाने चले गए और डूबने लगे। 2 युवक रंजीत और भोला किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, जबकि किशन, मुकेश और सरफराज नदी में डूब गए। डूबे युवकों की स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। गाजीपुर सदर तहसील के अंतर्गत पत्थरघाट पे 3 लड़कों के डूबने की सूचना मिली है, तो हम लोग अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अपना कर रहे हैं लोकल लेवल पे। इसके अतिरिक्त हमने NDRF की टीम भी बुलाई हुई है, जो कि अभी थोड़े समय पर यहाँ पे पहुँच जाएगी और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी अपना। हादसा ये कैसे हुआ, क्या जानकारी मिली? अभी तक जितना लोकल लेवल लोगों से पता चला है, तो बच्चे खेल रहे थे और खेलते समय जो है वो डूब गए हैं। कौन कौन लोग हैं ये पता चला? 3 लड़के हैं, उनकी उम्र लगभग, एक लड़के की उम्र 15 साल, एक की 17 और एक की 20। खबर एटा से है, जहां बीते 1 महीने से पुलिस और गौ तस्करों के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हो रही है। अब तक 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें कुल 6 गौ तस्कर पकड़े गए हैं। मुठभेड़ में कुल 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। 2 और 3 मई को अलग अलग लगातार 2 दिन गौशालों से चुरा कर 20 गायों की गौकसी की घटना को उक्त तस्करों ने अंजाम दिया था। उसी घटना के मुख्य आरोपियों की मुखबरी मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, तो ये अपने वाहन अर्टिगा कार से अमापुर की तरफ भागने लगे। पुलिस के लगातार पीछा करने के कारण इनके चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी एक पुलिया से टकरा गई। वाहन से उतरकर इन्होंने पीछा कर पुलिस के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें गोली लगने से घायल हुए आसिफ और अंसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके 2 साथी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रयागराज में एक कार धू धू कर जलने लगी। किसी तरह कार में बैठे लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। वहीं पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले खोडन निवासी राजीव यादव की लगभग 7 करोड़ की संपत्ति को आज न्यायालय के आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया है। राजू यादव, उसकी पत्नी और पुत्र के द्वारा ये संपत्ति अपराध के द्वारा अर्जित की गई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया, जिसके अंतर्गत उसका मकान, खेती योग्य भूमि, प्लॉट और वो गाड़ियां जिन्हें वो इस्तेमाल करता था, इन सब को कुर्क किया गया है। झांसी के पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण रामनगरी अयोध्या से संजीवनी तलाशने में जुटे हुए हैं, जिनमें काफी हद तक सफल भी रहे। अयोध्या के संत ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए कहा कि आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई हो। महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में हनुमानगढ़ी के संतों ने विरोध जताया। संकट मोचन सेना के अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी शिष्य संजय दास ने राकेश टिकेट पर बयान देते हुए कहा कि जहां पर देश विरोधी ताकतें सक्रिय होती हैं, वहां राकेश टिकेट तुरंत पहुंचता है। जब तक आरोप नहीं सिद्ध होता, तब तक कोई भी बलात्कारी नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन आज CM ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जगहों से आए सैकड़ों फरियादियों की एक एक कर फरियाद सुनी। इसके साथ ही सभी के मामले को जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के आदेश दिए।
वहीं झांसी में कानपुर जोन की 26वीं अंतर्राज्यीय पुरुष महिला जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देश में 1 मई से 3 मई तक झांसी के जिम्नास्टिक हॉल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह आयोजन किया गया है, जिसमें कानपुर जोन की 9 टीमों ने भाग लिया और विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र दिए गए। पीलीभीत के गांव सैदपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक युवक पूरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने इलाज के लिए मुरनपुर सीएचसी में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ की। घायल युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सक के अनुसार युवक लगभग 90% तक झुलस चुका है। फिलहाल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के कर उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना को लेकर परिजन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि हमें जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक शराब का आदि था, जिसमें उसने नशे की हालत में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। क्षेत्रीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और युवक को अस्पताल पहुँचाया। मामला कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमटी नंबर 5 का है, जहां दो गाड़ियों की आपसी टक्कर के बाद एक पक्ष ने जमकर बवाल काटा। वीडियो में चेक शर्ट में दिख रहे युवक ने खुद को किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी का भतीजा बताते हुए जमकर गुंडई की। वहीं यूपी पुलिस मुखदर्शक बनी रही। पीड़ित पक्ष की तरफ से मौजूदा महिलाओं को पुलिस की लाचारी साफ साफ नजर आई, जो वीडियो में देख सकते हैं। घायल युवक अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस वालों के सामने घायल युवक के घर की महिलाओं से अभद्रता की गई। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा में वीडियो बनाने का प्रयास किया तो महिला का मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता की गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।